السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون कुर्सी अदालत पर जलवा फरोज हकम सदर मुहतरम हकम साहिबान और मेरे सामने बैठे हुए हम सफ़र साथियों, आज के सालाना अंजुमन में मेरा मौज़ू ख़िताबत है उलमा की आवाम से दूरी और आवाम की उलमा से बेजारी, आसार और नताइज। मेरे भाइयों, उलमा जमा है आलिम की, आलिम यानी उलमा आलिम कहते जानकार शख्स को कहते, दीनी शरिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर जानकार जानने वाला को आलिम कहते हैं, उलमा जमा है। मेरे भाइयों, दुश्मनान इस्लाम ने हर दौर में इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिश की, साजिश रची, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक इस्लाम को पहुंचाया और उसके बाद उलमा को इसका ज़िम्मेदार ठहराया। तब तक हदीस सुनाना ही पड़ेगा, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया के, उलमा अंबिया के वारिस हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज उलमा आवाम से दूर भाग रहे हैं, चंद ही उलमा, चंद ही अच्छे उलमा हैं जो आवाम को अपनी दीनी शरिया दीन की दावत देते हैं। लेकिन कितने, देखिए आप जायज़ा ले सकते हैं कि हर मदारिस में 100 से 40-90% बच्चे अपने फारिगीन में से शुमार किए जाते हैं, लेकिन आज दीनी तबलीग के लिए एक भी उलमा नज़र नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, तब तो एक हदीस और सुनाना ही पड़ेगा कि बल्लगू अन्नी वलव आया, कि एक ही आयत गरचे क्यों नहीं जानते हो, लोगों को बतला दो। तो हमारी जिम्मेदारी होती है, उलमा की जिम्मेदारी होती है कि हम उलमा की जिम्मेदारी होती है कि आवाम अगर रास्ते से भटके हुए हो तो रास्ते से हमें दीन की तरफ हमें खींचना होगा। लेकिन आज हमारी उलमा अपने अहलो अयाल, और कारोबार में मसरूफियात रहते हैं और उनको वक्त ही नहीं मिलता। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है। और ये होने के बावजूद इस तरह जब होती है तो अवाम भी उलमा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और अवाम भी उलमा से नफरत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उलमा 5-6 हज़ार रुपये में क्या कमाते, क्या करेगा। इसीलिए और उलमा से कह रहे हैं, उलमा से कोई शिकायत करके दूरी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इन जाहिलों नादानों को पता नहीं है कि उलमा 5-6 हज़ार रुपये में अल्लाह की बरकत होती है। तब तो एक आयत की तरफ इनको एक आयत सुनाना ही पड़ेगा, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 43। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाहु वर्रज़्ज़ाकुज़ुल कुव्वतिल मतीन, कि अल्लाह तबारक व ताला राज़िक है और ज़बरदस्त है। मेरे भाइयों, इसीलिए हमें चाहिए, और अगर आज उलमा हमारी कौम उलमा से दूर हो गया, तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकता, खाओ दुनिया भी हो या उखरवी हो। मेरे भाइयों, आज छोटी मोटी इल्म हासिल करने के बाद अच्छे अच्छे जो उलमा होते हैं उनसे सवाल किए जाते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आप उलमा से लड़ेंगे तो उनका नतीजा क्या होगा, सुनिए। तब तो एक हदीस और सुनाना ही पड़ेगा, हदीस सुनन जामे तिर्मिजी किताबुल इल्म हदीस नंबर 2652। हदीस के राबी हैं अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अल्लाह तबारक व ताला इल्म को बैक वक्त नहीं उठाएगा,
बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आलिम को उठा लेगा, अच्छे अच्छे आलिम को उठा लेगा। तब लोग क्या करेंगे, जाहिलों को सरदार बना लेंगे और फिर जाहिलों से सवाल करेंगे और जाहिल के फ़अफ़्तौ फतवा देंगे, बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के फतवा देंगे, फजल अजल खुद भी गुमराह और लोगों को भी गुमराह। मेरे भाइयों, इस तरह की है, इस तरह की आज चल रहा है। हमें चाहिए, दुख होती है, हमें चाहिए कि हमें उलमा आज आवाम जो दूर भाग रहे हैं, तो हमें चाहिए कि आज हमें गांव मोहल्ले में जाकर आवाम को दीन दावत की तरफ दावत दें। असल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ या आलम आलमीन हम सब भाइयों को इन कामों पर अंजाम देने की तौफीक देना। आमीन।